हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। थर कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली यार सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस आज के इस एपिसोड के अंदर फाइनली हम लोग ने हमारे बेस का पूरा काम अभी कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हम लोग का बेस दिखाने लायक हो चुका है। तो आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आप सभी को हमारे पूरे बेस की टूर कराने वाला, पूरा का पूरा जो बेस है हम लोग को दिखा। मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल साले। पहले तो अभी तेरे को ही मारूंगा। अरे बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरे को? तेरे को ही नहीं भाई, सबको मारूंगा, इसको भी मारूंगा, क्योंकि भाई आज के एपिसोड में यही होने वाला है। तुम लोग लगे तो बेस देख के चले जाना, क्योंकि भाई अबे सर रुको, इसको मारने दो। साले तेरी भी क्या हिम्मत कैसे भाई, हर कुत्ते का दिन आता है, ठीक है? कल तक भाई तू मेरे को मार रहा था, आज तू मेरे पैर में आके गिर गया मरने का। साले समझते नहीं यार ये लोग। ओके सो भाई आज के इस एपिसोड में हम लोग बेस टूर विस्टोर करेंगे, और कॉन्टेंट नहीं यार आज कुछ टेविंग भी नहीं है यार। बेस टूर इतने 7-8 मिनट में तो खत्म करने नहीं वाला मैं, तो 15 मिनट कुछ तो करना पड़ेगा ना। ओके तो देखो, होपफुली तुम लोग को बोर नहीं होगा, अगर हो रहा हो तो बेस देख के चले जाना छुप जाओ, ठीक है? ओके सो पहली चीज़ तो तुम लोग को बेस की मैं ये दिखाता हूँ, सारी चीज़ें क्लियरली दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम लोग ये देखो, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। रुको यहाँ से एक बार ये मत देखना। ओके यहाँ से नज़ारा देखो, ये देखो भाई ये जगह ना भाई बहुत ज़्यादा, ये बेस में ये और एक जगह बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा, आगे दिखाऊंगा दूसरी जगह। और भाई ये जगह पे भी हम लोग ने सोचा पहले कि ग्रीन हाउस बनाते हैं, बट बाद में लगा कि भाई इतनी मस्त जगह है कि ग्रीन हाउस से इसका लुक नहीं बिगाड़ना, तो यहाँ पे सोच रहे अभी डेकोरेशन वगैरह करने का दिमाग में चल रहा है। अब तक बेस पूरा नहीं बना है, और अभी तुम लोग क्या रेडी हो क्या, मतलब हमारा घर देखने के लिए तुम लोग रेडी हो गया? सो 3-2-1 एंड टाटा। तो ये देखो भाई, ये हमारा प्यारा सा नया हाउस, और अभी इसको देखने का ना काफ़ी बंदे अच्छा फील कर रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि कैसे बना है, लेकिन कुछ बंदे भाई पूरा प्रिपेयर करके आए उगली करने के लिए, तो बताते हैं भाई उनके बारे में, आगे बात करते हैं। ये अनिजर को क्या हुआ भाई? ये वाइपर का ग्रिफिन है, और मेरे को ये बंदे बोल रहे ग्रिफिन टीम करो, इन दोनों ने तो कर लिया, तो हम भी बहुत जल्द करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा मूड ऑफ है, मतलब आर्क को लेके, मतलब बोर होता है थोड़ा सा, तो नहीं किया, रोज़ आर्क खेल के बोर होता है। और ऊपर से तुम लोग ने घर को देख लिया होगा, इसको बनाने के लिए हम लोग को 2 दिन लगे, ठीक है? 2 दिन लगे हम लोग को। भाई तू उतरने क्यों नहीं दे रहा भाई? ऐसा भाई तेरे को मैं पसंद है तो बोल दे, वैसे नहीं मैं वाइपर से बात कर लूँगा, मेरे को टेम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवे गाइस, सो इसको बनाने के लिए हम लोग को 2 डेज लगे, लेकिन कैसे तो हमने 4-4 घंटे काम किया वैसा करके। और एक्चुअली ये मॉडल हम लोग का नहीं था, लेकिन बनाने के लिए मेहनत लगी, ठीक है? एक दिन में तुम लोग बना सकते, लेकिन यार पीठ दर्द करने लगते। और ये जगह देखो, ये भी जगह तुम लोग को दिखा देता हूँ, ये डायनोस के लिए फिलहाल इतनी जगह बनाइए, जैसे ही ये जगह रूम्स पैक हो जाएंगे, नई जगह हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे तुम लोग को दिखाता हूँ। ये देखो भाई अंदर से तुम लोग को दिखा, ओ भाई एक सेकेंड भाई, ये वाइपर टेम कर रहा है, मेरे को बताया भी नहीं भाई। ओके अबे ये कैसे टेम कर रहा है भाई यहाँ से, ये डोर वीर बंद करके ऐसे खोल के आना बिंदास, वो कुछ नहीं करने वाला, मेरे को पता है भाई। वो देखो वह तोड़ने में व्यस्त है, देखा आए वाइपर भाई आ जाओ भाई, पता नहीं भाई डोर बंद करके कैसे टेम कर रहा था, आई डोंट नो। मार ले भाई फटाफट मार इसको। और भाई हाँ ये देखो भाई, चलो हो गया, देखो बेचारे का वाइपर, ये वाइपर इसलिए टेम कर, आई मीन रैप्टर वाइपर इसलिए टेम कर रहा है क्योंकि हम लोग को टूर्नामेंट के लिए प्रिपरेशन चल रही है। फिलहाल बहुत जल्द रैप्टर रंबल होगी, जैसे डोडो रंबल हुई थी, तो इसी वजह से उसकी तैयारी फिलहाल चल रही है। और तुम लोग को दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, तुम लोग बता सकते हो ये है क्या? अगर बता सकते हो तो अब भी पॉज करके मेरे को कमेंट करके बताओ, बट मेरे को बताया तुम लोग नहीं बता पाओगे, क्योंकि भाई ये है इनविजिबल झरना। ये देखो ये क्या है, मतलब मेरे को नहीं पता, लेकिन भाई ये एक इनविजिबल पानी भाई, अलादीन का पानी है, इसके अंदर आप सारी विशेस मांग सकते हो सिवाय पैसे को लेके, कि मेरे को अनलिमिटेड पैसा दे दो, वो विश कंप्लीट नहीं होती यहाँ पे, बाकी सारी विशेस यहाँ पे कंप्लीट होती है। और भाई पता नहीं कौन सा ग्लिच है। और ये देखो भाई यहाँ पे देखो प्रोकॉप्टर, ये हम लोग वहाँ से उस दिन उठाया था उनको, भाई यहाँ पे शिफ्ट मार दिया, एक्चुअली 4 थे, पता नहीं 2 कैसे हो गए। ये बोल रहा है कि वो सर्वर बंद हो के चालू हुआ था, तो उसके बाद कुछ सीन हो गया। ये देखो भाई 2 है अभी, और 2 पता नहीं, और वो अच्छे लेवल के थे एक्चुअली, पता नहीं कहाँ चले गए वो, बट देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उनको। और भाई वो इनविजिबल झरना अगर तुम लोगों को पसंद आएगा तो 1 लाइक वीडियो को जरूर करना भाई, पता नहीं वो इनविजिबल पानी किस सीन से। और अभी बात कर लेते भाई हमारे घर की, तो ये देखो गाइस ये है हमारा घर। और अभी बात कर ले थोड़ी चुगली वाले बंदों की, तो भाई कुछ वीडियो पे मैं देखा जाके वहाँ पे भाई तुम लोग कमेंट कर रहे हैं क्या फ़ायदा हुआ भाई गॉड कंसोल का, फिर भी लकड़ी का घर बनाया गॉड कंसोल हो गया। तो भाई तुम लोग को लगता होगा मेटल का घर बनाना चाहिए, लेकिन हम लोग ने बनाया था क्योंकि इसको लुक आ रहा था, ठीक है? यही एक सिंपल सी बात है। और भाई इस पे हम लोग के ब्रॉन्टो ने गलती से पैर रख दिया था टेरर बर्ड पे, उसके बाद ये कुचल गया था। ओके एंड भाई वो मेरे को ज़रूरत नहीं बतानी कि कौन सी वीडियो पे कहाँ जाके तुम ये कमेंट कर रहे हो, बट वो ये सिर्फ उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो लोग ये उगली कर रहे हैं, ठीक है? बाकियों को नहीं बोल रहा, बाकियों के से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन भाई कुछ उगली वाले बंदे हैं
बट एनी वे उनसे भाई मेरे को कोई मूड ख़राब नहीं करना। और ये देखो भाई ये है वोल्ट, तो इसके अंदर हम लोग हमारा सारा सामान रखते हैं। और यहाँ पे हम लोग ने फैब्रिकेटर वगैरह रखा है। वोल्ट हम लोग एक्चुअली दो रखने थे बट फिलहाल एक वोल्ट सफिशियंट है, तो इसीलिए हम लोग ने ज़्यादा नहीं रखे। और अब तक काम चल रहा है सारी चीज़ों का। और ये देखो ये फायर, एक सेकेंड, उसके अंदर भाई यही नहीं था भाई, सारा ख़त्म हो गया थे। मेरे को डालने दो क्योंकि भाई फायर प्लेस जलते हुए अच्छा लगता है। पहले मेरे को लगता था इसके अंदर खाना ही पका सकते हैं बट बाद में पता चला ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये देखो भाई हमारा फायर प्लेस। और ये हैरी ने भाई अजीबोगरीब कलर करके रखा है इनको, सैन वगैरह कोई तो कलर करके रखा है पता नहीं क्यों। तो भाई वो मेरे डिस्कॉर्ड पे मॉडरेटर्स का जैसे कलर है वैसा है। और हाँ उससे याद है डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये देखो ये एक से भाई ये मोटर एंड पिस्टल किसने रखा भाई केमिस्ट्री बेंच के सामने? भाई तुम तो यार बेइज्जत कर रहे हो उसको, मतलब ऐसे भाई शेर होके भाई बिल्ली रख देते हो तुम साइड में। ओके और ये चीज़ तुमने नहीं देखी होगी ठीक है, ये देखो यहाँ से तुम लोग ऐसे नहीं दिखेगा, यहाँ से अगर देखोगे नहीं दिखेगा। लेकिन ये है हमारा सीक्रेट रूम, जो कि सीक्रेट होके कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि तुम लोग को नीचे आके दिखाता हूँ। मेरे को ये देखो तो यहाँ पे हम लोग को सारी चीज़ें, हम लोग को वाटर का सप्लाई और हम लोग को जो ये है जनरेटर सारा नीचे। वाइपर तो क्या कर रहा है भाई डोर भी बंद करके ऊपर से। एनीवे तो यहाँ से हम लोग को सारी चीज़ें मिल जाती है। और हम लोग को अच्छी चीज़ रहेगी कि हम लोग को पानी का सप्लाई भी नीचे से मिल रहा है और ये भी इलेक्ट्रिसिटी भी नीचे से मिल रही है, तो मतलब इजी पड़ रहा है। ये देखो भाई वाइपर व्हाट यू वांट टू डू यार, तेरे को करना है क्या भाई मेरे को ये बताएगा? पता नहीं भाई वाइपर बच्चों जैसे हरकतें करता रहता है। और ये देखो भाई ये है ऊपर वाला रूम। तो अभी तुम लोग सोच रहे हो इसके ऊपर जाते कैसे, तो ऐसे भाई ऐसे नहीं जाते, रुको मैं बता दूँ। तो इस पर चढ़ना डिफ़िकल्ट है भाई क्योंकि वहाँ से सीढ़ियाँ नहीं लग रही। तो ये देखो ऐसे चढ़ने का है और उसके बाद ऐसे जंप करने का है। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं रखा, यहाँ पे सारी चीज़ें करनी है बट फिलहाल इतना ही रखा हुआ है हम लोग ने। तो यहाँ पे सिर्फ स्पॉन लेने के लिए हमने बेड्स रखे हमारे, ये वो हैरी है किसी ने तो वहाँ पे एक साइड में रख दिया, मैंने बोला था लाइन में रखो पता नहीं। और खिड़की विड़की लगाई थी भाई, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे, तेरे को करना क्या है भाई? पर पता नहीं भाई बेवकूफ़ जैसा कर रहा है भाई, ये भाई सस्ता टोनी स्टार्क का आर्मर बना के लेके आता है पता नहीं। और ये वाले रूम का जो फिलहाल काम चल रहा है, तो यहाँ पे अभी हम लोग को सामान रखना है बहुत जल्द हम लोग। हे भाई तू ये क्या कर रहा है वे भाई, मैं सच में डर गया, ये क्या कर रहा है तू भाई? वाइपर भाई ये कहाँ से लेके आए हुए मास्क? ये आई थिंक अल्फा को मारने से मिलता है भाई, लेकिन बहुत क्रीपी है यार, कसम से बोलता है भाई इतना ऐसा ट्राइक का लग रहा है मेरे को, ये पता नहीं लेकिन भाई बहुत अजीब है भाई साहब। ओ भाई कहाँ कहाँ से लेके आया पता नहीं भाई, अचानक डरा दिया अबे नूब। हाँ मेरे को भी ऐसा चाहिए भाई, ये देगा नहीं मेरे को, मेरे को देखना पड़ेगा ये कभी ऑफलाइन होगा तो वहाँ से चोरी करना पड़ेगा। और ये देखो भाई ये है हमारा डिंग 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 वाला निंजा हथौड़ी का रूम। ये देखो भाई ऊपर का, तो निंजा हथौड़ी तुमने देखा होगा, तो वैसे हमने थोड़ा बनाया इसको, मतलब बनाया नहीं ऑलरेडी बन गया था तो हमने इसको मॉडिफाई किया, एक्चुअली ऐसा था नहीं लेकिन हमने इसको कर दिया। और ये वाली जगह तुम लोग को ये प्रोन क्यों हो रहा है बे, एक सेकेंड रुको। हाँ ये देखो तो ये वाली जगह पे अभी कुछ है नहीं फिलहाल तो, लेकिन यहाँ पे भी जल्द हम लोग कुछ कर। भाई तू क्या कर रहा है भाई, पर मेरे वीडियो बिगाड़ के ही छोड़ोगे है ना तुम साले, भाग 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 छोड़ा फोड़ दूंगा रुक साले, ये मेरा वीडियो भाई कब से परेशान कर रहा है, रुको मेरे को आने दे उसको बता दो साले, तेरी हिम्मत सुपरमैन पंच भाग गया साला भाई, सुपरमैन पंच दिया था यार मज़ा आ जाता बिट जाता तो भाई टॉर्मर है सीधा। ओके और ये देखो यहाँ पे भी रूम है ठीक है, यहाँ पे भी सेम रूम्स है लेकिन ये रूम थोड़े से छोटे हैं और एक्चुअली कुछ काम के भी नहीं है, मतलब टूटे फूटे से रूम है तो उनको हमने ब्लॉक कर दिया। और बहुत एकदम सिस्टमेटिक एकदम सही से करना है, तो इसके लिए मेरे को लग रहा है कि हम लोग को जो है स्टोन का करना पड़ेगा, तो तुम लोग आई थिंक मेरे को लगता है अच्छा दिखेगा फिर अंदर से, लेकिन बाहर से यार वुड का रखना है क्योंकि बाहर से मेरे को वुड का अच्छा लगा, बट देखते हैं सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन छत तो भाई वुड की रखनी पड़ेगी रैम पे ऊपर बिकॉज, लेकिन देखो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं। और ऊपर से देखो मतलब बहुत ही अमेजिंग बना है, ऊपर से कलरिंग वगैरह भी की हम लोग ने इसको डार्क टाइप थोड़ी, तो कुल मिला के यार काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बना है। हालांकि इसको बनाए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, दो तीन बार हम लोग को छत तोड़ना भी पड़ा था लेकिन फाइनली बन गया। और भाई अभी बात कर लेते एक और अमेजिंग कमेंट के बारे में, तो भाई मेरे को ये बताओ अगर कोई बंदा केव कंप्लीट करके आता है तो तुम लोग उसको क्या कमेंट करोगे? भाई मेरे को बताओ क्या करोगे ब्रो, गॉड कंसोल से क्यों पूरा करने का क्या फायदा ब्रो? देखो यार नो हेट लेकिन फिर भी एक बात बताना चाहूंगा यार, तुम लोग कमेंट करने से पहले ना एक बार इन्फो निकाल लिया करो, इतना भी श्योरली कमेंट मत किया करो, बिकॉज भाई देखो केव के अंदर जाने के बाद गॉड कंसोल ब्लॉक हो जाता है वो नहीं चलता है,
तो इतना श्योरली मत किया करो। एंड आई नो यार मिसअंडरस्टैंडिंग हर किसी से होती है, गलतियाँ हर किसी से होती है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ। और गाइज अभी हम लोग उस जगह पे जा रहे जो तुमने ट्रेलर में सबसे ज़्यादा देखी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस उसी पे किया गया था ट्रेलर में। लेकिन ये है वो जगह गाइज, देखो भाई आते ही डोडो मरने का आवाज़ आया। ओ भाई देखा तुम लोग ने यहाँ पे, भाई यहाँ पे जो अभी गेट वन का भी आवाज़ आया था। और ये देखो ये रिप्लाई किसने लिखा मेरे को नहीं पता, पता नहीं भाई कौन आके लिख के, कि हैरी बीरी ने लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा। और ये देखो ये रिप जीत भाई, ये भाई पर का जीत मर गया था तो उसका वो है भाई। और ये देखो ये सारी जगह, ओए भाई ये क्या है भाई, तुम लोग सुना पानी का आवाज़? ओ भाई भाई मेरी सच में फट रही है भाई, ये जगह भाई बहुत खतरनाक है, सच में बता रहा हूँ। मेरे को ये फर्स्ट टाइम फीलिंग आ रही है, मतलब इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा था भाई। मेरे को नहीं पता है क्या सीन है, ये देखो भाई मेरे को नहीं पता है क्या हो रहा है। अबे पानी नहीं है यहाँ पे कोई भी भाई, कैसे हो रहा है भाई, वियर्ड है भाई, बहुत वियर्ड है, कसम से बोलता हूँ बहुत वियर्ड है भाई। नहीं भाई ये देखो यहाँ पे ब्लू टॉर्चेस वगैरह लगाई गई है, और यहाँ पे कुछ कैंप फायर भी है जिससे हॉरर लगे। और भाई ये मेरे रिप जॉनी भाई, यहाँ पे मेरे जॉनी ख़त्म हुआ था, उसका ये लगा हुआ है यहाँ पे स्टोन। भाई ये पानी की आवाज़ ना कसम से बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रही मेरे को भाई। ये देखो यहाँ पे ड्रॉप भी गिरा है कि उसको लूट के आएंगे। रिप करियर किसने लिखा वे भाई, मेरे को लग रहा है ये हैरी का काम है भाई, रिप करियर कौन लिखता है वे भाई, पहली करियर डुबाने पे चले दोनों भी। अब ये किसने लिखा भाई, भाई तुम लोग मेरे चैनल बंद करवा के छोड़ोगे लगता है। ओके गाइज ये देखो ये है वो जगह जो तुम लोग ने ट्रेलर में देखी थी भाई, ट्रेलर बनाने में काफ़ी मेहनत लगी थी, ऐसे धुआं भी उड़ा रहे थे तो भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी उसमें। और ट्रेलर का आइडिया टोटली हैरी का था भाई, उससे मेरे को आइडिया मिला था। और ये देखो सारे आर्टिफैक्ट यहाँ पे सारी गेम हम लोग कर चुके हैं, गॉड कंसोल से नहीं किए तुम लोग को पता होगा, तो ये सारी गेम हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, और ऑनलाइन भी करेंगे, ऑफलाइन कर चुके हैं बहुत बार हम लोग इनको। और स्मूथिंग बाम की फार्मिंग करनी रहती है कर देते, और ऊपर से तुम लोग को दिखा देता हूँ। तो भाई ऐसी ये जगह है यहाँ पे भाई, हॉरर सी थोड़ी, हमने इसको थोड़ा हॉरर सा पहले हम लोग ने सोचा था कि ये बनाए, बट इसमें हॉरर का जो प्लानिंग था सब हैरियर उन लोगों का था, बट बाद में कैंप फायर वगैरह सब मैंने लगाया, बीच की लैडर्स वगैरह, बाकी सारी हॉरर थीम इनने सोचा, फिर हॉरर हमने बनाया एक्चुअली इसको, तो ऐसे इसके पीछे अलग ही कहानी है। लेकिन भाई ऐसी सारी चीज़ें, लेकिन भाई बहुत मज़ेदार जगह है वो, वहाँ पे हम लोग मस्त उसको और एडिट करेंगे आगे हम लोग। एक सेकेंड ये प्रोकोप्टोडोन यहाँ पे कैसे, अच्छा ये जो ग्लिच से बाहर निकले तो यहाँ पे आ गए क्या? एक सेकेंड गाइस मैं इनको यहाँ पे रख क्या था, पता नहीं कैसे आ गए भाई, हम लोग इन्हीं को ढूंढ रहे थे भाई। इसको यहाँ पे रख देता हूँ, और यहाँ पे एक रैप्टर भी था ना आई थिंक, मैं उसको उठा लेता हूँ क्योंकि भाई हम लोग को रैप्टर नंबर के लिए चाहिए भाई। ओ भाई 280 लेवल का रैप्टर, आई ये ब्रो इसको उठा ले दो मेरे को भाई, 280 का, शाबाश भाई। अरे वाह भाई कितना शांत है भाई, मार भी नहीं रहा। 2000 years later. भाई पहुंचने दे यार, मेरे को लगा भाई शरीफ है मार नहीं रहा भाई, ये पहुंचने दे कितना स्लो कर दिया भाई, छोड़ भाई यार लॉट्स ऑफ पेन भाई भाई। अबे अबे भाई हाँ एक से, अबे ये क्या भाई, क्या स्किन भाई, ऊपर से नीचे कैसे आई है? अबे भाई मेरे को कोई बताएगा मेरे साथ क्या हो रहा है एक्चुअली? ये भाई ग्लिच का भंडार है भाई, ये पता नहीं भाई अचानक ऊपर नीचे दीवार के आर पर कैसे क्या हो रहा था। एनीवे भाई उस रैप्टर को तो वहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे ड्रॉप भी आया, चलो ड्रॉप लूटते। पर्पल में से आई थिंक अच्छी चीज़ें मिलती है, लेट्स सी कुछ अच्छा मिल जाए भाई मेरे को, ब्लू प्रिंट वगैरह। ये देखो भाई तुम लोग को मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, तो ये ऊपर से तुम लोग को पानी वाला जो एरिया दिख रहा होगा अभी नीचे, ये देखो ये वाला, तो इसको ये लोग बोलते हैं रेक्स का पेड़ है। और एक्चुअली ये जो रेक्स का पेड़ है, लेकिन हम लोग ने घर बनाया तो थोड़ा सा डिज़ाइन से बिगड़ रहा है, तो तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन रेक्स का पेड़ है। और ये ऊपर से देखो ऐसा दिखता है भाई, और ये जगह वो भाई अभी दिन में ऐसी दिखती है, दिन में बिल्कुल खतरनाक नहीं है, रात को पता नहीं भाई क्या आवाज़ आ रही थी कसम से, ये बात सच है कि कल मेरे को एक्सपीरियंस हुआ। और ये देखो यहाँ पे ये जो हम लोग की लोकेशन है, तो ये तुम लोग को बता देता हूँ मैं, न्यू लोकेशन हम लोग की यहाँ पे, ओल्ड वाली का भी हम लोग को पता नहीं हम लोग क्या करने वाले। और कसम से बोलता हूँ यार वो जो एक्सपीरियंस अभी रात को अपन ने किया, और सच में अभी शूट के टाइम हुआ था, इससे ऑलरेडी पहले नहीं हुआ था। और यहाँ पे तुम लोग को दिखा देता हूँ राहुल भाई का बेस भी यहीं पे, तो एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कि राहुल भाई का बेस यहाँ पे, मतलब ध्यान नहीं था मेरा, मैंने बाद में एक बार जब हम लोग पहली बार यहाँ पे आए थे, हम लोग चेकआउट किया कि राहुल भाई का बेस भी यहाँ पे। ये देखो भाई इन लोग ने क्या क्या बना के, भाई ग्रीन हाउस तो भाई जैसे मॉल जैसा बना के रखा है भाई, बहुत कुछ किया है इन लोग ने।
ग्रीन। और हाँ हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़, बंदे बोल रहे हैं भाई तुम लोग का पीवी नहीं लेकिन पीवीपी सर्वर है, तो पीवी इसलिए पीवीपी इसलिए बिकॉज हम लोग जो रंबर वगैरह करते हैं तो इसी वजह से पीवीपी, वरना पीवी वाली हरकतें होती है, यहाँ पे कोई किसी का बेस नहीं तोड़ता है, तो इसलिए पीवी समझ लो, सिर्फ पीवीपी नाम का है क्योंकि हम लोग को रंबल करनी रहती है और बार बार तो चेंज नहीं कर सकते ना, बार बार वो डिफिकल्ट है, तो उससे बेटर ये कि हमने इसे पीवीपी रखा है। और भाई थोड़ा सा एक दूसरे को मार लेते हैं हम लोग तो थोड़ा मज़ा आ जाता है। बाकी यहाँ पे इन लोग के बीवर डैम बने हुए थे, हम लोग चाहे तो लूट सकते थे लेकिन हम लोग लूटेंगे नहीं, बिकॉज पहली चीज़ तो कि इन लोग ने बहुत मेहनत से बीवर ढूंढ के लाए होंगे, और दूसरी चीज़ ये कि भाई उन बीवर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत से बीवर डैम बनाए होंगे, बिकॉज ये हिडन लेके बीवर्स तो है नहीं क्योंकि पहले हम लोग ने इनको नहीं देखा था। बट एनीवे गाइस, आज के एपिसोड के लिए तो बस इतना ही, होपफुली आज का जो एपिसोड है आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगर आपका एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना एपिसोड के लिए, नहीं तो भाई हम लोग का जो गायब होने वाला पानी उसके लिए एक लाइक वीडियो पे आ जाना चाहिए। और मुझे कमेंट करके आज ये बताना है कि हम लोग की ये जो जितनी भी ब्लैंक स्पेस है, जो भी एरिया है, जो भी घर के अंदर बचा कुछ एरिया है, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मेरे को कमेंट करके ये जरूर बताना, कुछ आइडिया मेरे को देना, मैं श्योरली उस चीज़ को ट्राई करूँगा। बाकी अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और भाई अब बातों बातों में बताना भूल गया था कि हमारे डिस्कॉर्ड पे 1K जो है फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच डिस्कॉर्ड फैमिली फॉर 1000 मेंबर्स। एंड भाई आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे फिर ऐसे और एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तो चले गाइस तब तक के लिए गुड बाय। भाई यहाँ पे मेरे को ना प्यास लगी, तो जाने से पहले तुम लोग एक जादू दिखा के जाऊँगा, अभी यहाँ पे तुम लोग देखो, ये देखो भाई हम लोग की प्यास बुझ गई, मैजिक बोलते मेरी तो गई किस्मत उल्टी टोपी वाला ले गया मेरे जिगर के हीरे को, कहने को है बातें सो पर छोड़ो अब रहने को, बस इतना ही बोलूंगा पलट गया खेल का पस।